Lah lah lah. इधर आ जा साले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप यूके। और दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में एक छोटी सी वीडियो में। और आप यहाँ पे मौसम देख सकते हैं, दो तीन दिनों से लगातार बारिश, अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है। और यहाँ से मेरा गाँव दिख रहा है, दुनिया का सबसे छोटा गाँव। मतलब दोस्तों, बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जहाँ करीब 800 लोग रहते हैं। तो उसी तरह मेरा गांव भी दुनिया का सबसे छोटा गांव है, जहाँ लगभग 10-15 लोग रहते हैं। और अभी अगर शाम को आप चले जाओ यहाँ, तो एक भी आदमी आपको देखेगा नहीं, एक पक्षी तक यहाँ उड़ता नहीं है। तो मतलब सुनसान चारों तरफ। एक मंदिर है हमारे गाँव में भूंखाल कालिंग का, इसके कारण लोग यहाँ आते हैं, नहीं तो इस पहाड़ी में आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात खास है दोस्तों, यहाँ से मतलब आपको दूर दृश्य बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। मतलब सामने पूरे गांव ही गांव, सबसे ऊंची वाली धार पे मतलब हम ही हैं यहाँ। यहाँ से मतलब आपको मैं आगे दिखाता हूँ इस वाली पहाड़ी की। दोस्तों सारे गाँव दिखते हैं यहाँ, पूरे बनारस, सिरतौली, बड़े थोड़े सब इस वाली पहाड़ी में है। यहाँ से आगे चमोली लग जाता है, मतलब ये चमोली का आखिरी बॉर्डर है आगे। तो मतलब यहाँ से पौड़ी की बॉर्डर ख़त्म होती है। और ये हमारा पड़ोसी गांव मलुंड, ये यहाँ पे हमारे गांव का पंचायत भवन बन रहा है आजकल। आजकल इस पे काम चल रहा है, दो तीन दिन से बंद है क्योंकि बारिश आ रही है। तो मतलब आप चारों तरफ देखते हैं। एक चीज़ और है, हमारे गाँव में अंकुरोड बहुत होते हैं। यहाँ पे ये वाला पेड़ हमारा है, ये नीचे वाला, ये बड़ा सा एक ये है। आजकल तो मतलब पतझड़ हो रखा है, लेकिन अंकुरोड बहुत होते हैं मेरे गांव में, और कुछ तो है नहीं। और ये रास्ता है माँ भूंखाल कालिंका का, इसका भी मतलब कुछ टाइम पहले ही हम लोग ने ही बनाया। ये बहुत सुंदर रास्ता यहाँ पे बना है। तो दोस्तों, ये है हमारा स्कूल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये आठवीं की क्लास थी, ये सातवीं, और उधर छठवीं। तो यहाँ मतलब हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम बिताया है। यहाँ बैठ के मैं आपको अभी पूरा स्कूल दिखाऊंगा। ये हमारी स्कूल की बड़ी बिल्डिंग है। तो मुझे आज भी याद है जब इस पेड़ का मतलब सबसे ऊपर वाली टहनी टूटी थी, तो हमारे सर ने इस पे मतलब जॉइंट किया था उसे। उस टाइम ये इतना इतना था, इतना इतना। आज देखिए आप, ये कितना बड़ा हो चुका है। एक ये भी था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये चार्ट हमारे रावत सर ने बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड का चार्ट, और ये हमारे इलाके का लोकेशन स्कूल का। मतलब इतने सारे गांव के बच्चे स्कूल आते थे यहाँ से। आप देख सकते हैं मरगांव, नलाई, मलुंड, भूंखाल, डुंगरी, खंडोली, ओडली, न्याणगढ़, नौगांव, गोदा, चोपड़ा।
ये देख सकते हैं आप, चौरी खाल स्कूल, अटल उत्कर्ष राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज। और यहाँ से व्यू अगर हम देखें तो कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिखता है। और ये है हमारा ग्राउंड, और ये जो है ये है हमारा साइंस का रूम था, ये 11वीं वाला और ये 12वीं वाला इधर। और दोस्तों यहाँ पे ये बन रखा है नया, अभी अभी कुछ टाइम पहले बना था ये, और पुरानी क्लासेस हमारी कुछ इस तरफ हैं, वो सामने आप देख सकते हैं हमारा बाथरूम वगैरह हमारे स्कूल का मतलब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ हमारे गुरु लोगों ने लगाए हैं, बच्चों ने लगाए हैं। यहाँ पे देखिए आप ज़रा, ये इधर बांज के पेड़, और ये नीचे सड़क, और यहाँ पे हमारी मैम ने एक केले का पौधा भी लगा रखा है। और इधर से हमारे स्कूल की बिल्डिंग कुछ इस तरीके की दिखती है, और हम लोग खाली टाइम पर यहाँ पे बैठा करते थे, ये इस जगह पे, इस जगह पे।